हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक अपना वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पर आज हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस के बारे में, जो कि हमारा ऑब्सगायनी का एक बहुत ही अच्छा और शॉर्ट और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें कि आप मेरे आने वाले वीडियोज़ का जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बहुत ही मैंने ईजी वे में समझाया, आपके एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट एट द वर्ड हमको पता है कि यानी कि अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाना। हम सबको पता है कि जो हमारा यूट्रस है हम उसे एक मोबाइल ऑर्गन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपनी जगह से क्या एक जगह पे स्थिर नहीं होता है, वो लेफ्ट या राइट मूव कर सकता है। सो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड यूट्रस एज अ मोबाइल ऑर्गन। हमारा रेक्टम इधर है, ब्लैडर यहाँ पे, यूट्रस जो है वो इधर की तरफ भी हो सकता है, इधर की तरफ भी, और इधर की तरफ भी मूव कर सकता है। यानी कि उसका एक प्लेस नहीं है कि वो स्टिकली उस स्पेस पे अवेलेबल रहेगा, बट इट कैन इजिली मूव हियर एंड देयर। सो बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट द टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस, यानी जो यूट्रस है उसका अपनी जगह से क्या होना, डिस्प्लेसमेंट हो जाना। सो बेसिकली द यूट्रस व्हेन डिस्प्लेस बैकवर्ड, अगर जो हमारा यूट्रस है वो किस तरफ बैकवर्ड रिप्लेस होता है तो उस पर्टिकुलर को हम क्या बोलेंगे, रेट्रोवर्टेड यूट्रस। अगर वही यूट्रस हमारा डाउनवर्ड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स। बेसिकली अगर हमारा यूट्रस या हमारा रेक्टम ब्लैडर, तो अगर हमारा जो यूट्रस अगर वो पूरी तरीके से डिस्प्लेस होता है बैकवर्ड की तरफ तो उसको हम लोग बोलते हैं रेट्रोवर्टेड यूट्रस, एंड इफ इट इज जो है डाउनवर्ड की तरफ डिस्प्लेस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स। बेसिकली इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस। आप ये चीज याद रखिए, यानी यूट्रस अब जब डिस्प्लेस हो जाता है अपनी जगह से। तो यहाँ पे मैंने आपको टू टर्म्स बताए रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस। अब हम देखते हैं जो हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस है यहाँ पे 3 डिग्रीज में हम देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री बोलता है द फंडस इज वर्टिकल और एंड इट इज पॉइंटिंग, यानी वर्टिकल यानी जो हमारा फंडस पार्ट है वो क्या है, एकदम सीधा है, बट इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सैक्रल प्रोमोंट्री। जो हमारी सैक्रल प्रोमोंट्री होती है तो फर्स्ट डिग्री में क्या होगा, जो हमारा फंडस पार्ट होता है वो सीधा होगा, वर्टिकल होगा, लेकिन किसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा, हमारी सैक्रल प्रोमोंट्री की तरफ। तो वो होगा हमारा फर्स्ट डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट्रोवर्टेड यूट्रस। सेकेंड हम देखते हैं जो हमारा फंडस है इट विल बी लाइन इन द होलो सैक्रल प्रोमेंट्री। जो हमारी होलो सैक्रल है वहां पे लाई तो कर रही होगी बट इट विल नॉट बी बिलो आ इंटरनल ओएस। हमने देखा है कि जो हमारा है वहां पे हमारा इंटरनल ओएस भी होता है, हमारा एक्सटर्नल ओएस भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा सेकेंड डिग्री जब स्टार्ट होता है तो हमारा फंडस वी कैन इजिली सी, एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट डिग्री हमारा जो फंडस है वो क्या है, वर्टिकल है, इट इज स्ट्रेट बट इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सैक्रल प्रोमेंट्री। सेकेंड डिग्री में क्या हो रहा है, जो हमारा फंडस है वो होलो सैक्रल प्रोमेंट्री में तो है बट इट इज नॉट बिलो द इंटरनल ओएस, अभी भी वो क्या है, इंटरनल ओएस के ऊपर है। थर्ड डिग्री में क्या हो रहा है कि जो हमारा ये इंटरनल ओएस है इसकी तरफ हमारा जो फंडस है इट विल बी लाइंग बिलो द इंटरनल ओएस। फर्स्ट डिग्री में इट इज जस्ट वर्टिकल एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सैक्रल प्रोमेंट्री, सेकेंड में क्या हुआ वो धीरे से इंटरनल ओएस के ऊपर आया बट स्टिल इट इज ऑन द होलो सैक्रल प्रोमेंट्री। थर्ड डिग्री तब बोलेंगे जब हमारा फंडस पार्ट है वो लाई कर रहा होगा हमारे बिलो द इंटरनल ओएस। तो ये सिंपल हमारा था अकॉर्डिंग टू द डिग्री। अब हम यहाँ पे इसमें देखते हैं हमारा जो वर्शन ऑफ फ्लेक्शन है, वर्शन क्या है, हमारा फ्लेक्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू द वर्शन ऑफ फ्लेक्शन हमारी पोजिशनिंग क्या होती है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं वर्शन ऑफ फ्लेक्शन। यहाँ पे हम दो चीजें डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस में देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्शन ऑफ फ्लेक्शन। वर्शन में हम देखते हैं जो एंगल यहाँ पे फाउंड होता है वो कहता है बिटवीन लॉन्ग एक्सिस ऑफ वजाइना एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स। यूजुअली अगर हम बात करें तो हमारा यूट्रस है,
तो यहाँ पे जो हमारा लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स और वजाइना के बीच का जो एक फॉर्मेशन होता है, यानी जो एंगल बढ़ता है हमारे वजाइना और सर्विक्स का, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्शन। फ्लेक्शन हम बोलते हैं कि जो भी हमारा एक्सिस बन रहा है जिसमें हमारे सर्विक्स और वजाइना तो इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग एक्सिस किसका बन रहा है, हमारा बॉडी ऑफ फंडस का, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्शन। हमें सबको पता है कि यूट्रस प्लेस है यहाँ पर, तो हमारा इस साइड क्या रहता है, हमारा रेक्टम, एंड हियर वी आर हैविंग द ब्लैडर। सो बेसिकली जो सर्विक्स और हमारे वजाइने के बीच का एक जो लॉन्ग एक्सिस बनता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्शन। फ्लेक्शन की बात करें तो उसमें हमारा सर्विक्स वजाइना इन्वॉल्व रहता है, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग एक्सिस किसका बनता है, हमारा बॉडी ऑफ फंडस का हमारा बनता है। तो ये था हमारा वर्जन ऑफ फ्लेक्शन। बेसिकली जो हमारा वर्जन ऑफ फ्लेक्शन है, हम इनके टाइप्स देखते हैं, तो ये डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू द पोजिशन। तो वर्जन ऑफ फ्लेक्शन में हमारे जो टाइप्स है, एंटी वर्जन है, मिड पोस्ट है और रेट्रो वर्जन है। वही हमारे फ्लेक्शन में क्या है, एंटी फ्लेक्शन है, मिड पोस है और रेट्रो फ्लेक्शन है। अब हम देखते हैं एंटी वर्जन क्या है। जैसे मैंने बताया, वर्जन में हमारा क्या पार्ट है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ वजाइना और सर्विक्स के जो बीच का लॉन्ग एक्सिस होता है, वजाइना और सर्विक्स के बीच का, उसको हम कहते हैं वर्जन। तो एंटी वर्जन में जो हमारा सर्विक्स है वो किसकी तरफ है, पॉइंटेड डाउनवर्ड्स टू द बैकवर्ड की तरफ जो है पॉइंट करेगा, और वहां पे जो एंगल वो बनाएगा 90 डिग्री पे। वहीं पे मिड पोस्ट में है, यहाँ पे यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस और सर्विक्स वजाइना क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। रेट्रो वर्जन हम इसी का एंटी वर्जन का ऑपोजिट करते हैं, जिसमें हमारा सर्विक्स क्या अगर डाउनवर्ड तो रहेगा बट इट विल बी फॉरवर्ड। एंटी वर्जन में क्या था, इट इज डाउनवर्ड बट बैकवर्ड एंड विल बी मेकिंग अ एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये था हमारा वर्जन। फ्लेक्शन हम देखते हैं एंटी फ्लेक्शन, यहाँ पे हमारी क्या इन्वॉल्व रहती है, बॉडी ऑफ यूट्रस, एज आई टोल्ड यू। तो यहाँ पे हमारा जो बॉडी ऑफ यूट्रस होगा वो फील करेंगे एंटरली टुवर्ड्स द ब्लैडर साइड हम फील करेंगे, एंड द एंगल जो मेक हो रहा है यहाँ पे क्या होगा, 120 डिग्री का एंगल मेक करेगा। यहाँ पे है हमारा सर्विक्स और हमारा यूट्रस का इन्वॉल्वमेंट रहता है हमारे किस में, फ्लेक्शन में। फिर हमारा मिड पोस्ट यहाँ पे भी जो है सेम रहेगा, यानी कि यूट्रस लॉन्ग एक्सिस एंड द सर्विक्स वजाइना। रेट्रो फ्लेक्शन में है, इसी का हम उल्टा करेंगे, यानी कि जो हमारी यूट्रस है वो पोस्टीरियर टर्न हो जाएगा एंड इट विल बी टुवर्ड्स द साइड ऑफ द रेक्टम। जो हमारा रेक्टम है इस तरीके पूरा इसकी तरफ क्या होगा, उसका झुकाव हो जाएगा रेट्रो फ्लेक्शन में। और हमारा एंटी फ्लेक्शन में क्या था, हमारा यहाँ पे बॉडी ऑफ यूट्रस किस तरफ रहेगा, एंटीरियर टुवर्ड द ब्लैडर एंड इट विल बी मेकिंग 120 डिग्री, यानी कि इस तरफ की तरफ रहेगा। और रेट्रोफ्लेक्शन भी इट विल बी एट द साइड ऑफ द और टुवर्ड्स द रेक्टम। तो ये था हमारा वर्जन एंड फ्लेक्शन। द टाइप्स है वर्जन के, एंटी वर्जन, मिड पोस्ट एंड रेट्रो वर्जन। फ्लेक्शन के टाइप है एंटी फ्लेक्शन, मिड पोस्ट एंड योर रेट्रोफ्लेक्शन। अब हम बात करते हैं अगर इस ये कॉजेस की कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस क्यों क्यों हो सकता है। तो बेसिकली अगर रिपीटेडली प्रेगनेंसी हो रही है, मदर जो है उनकी प्रेगनेंसी बार बार हो रही है, कम से कम इंटरवल्स में हो रही है, मदर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के फेज पे स्टार्टिंग अर्ली प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी जो है चीज़ें हैं उनको लिफ्ट कर रही हैं, उनको उठा रही हैं बार बार, उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में है, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, जो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं उसके, तो उनके लिए यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस के। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, अगर फर्स्ट फीमेल का चाइल्ड बर्थ हुआ था फर्स्ट टाइम पे, तो उनको लेसरेशंस का प्रेजेंट होना या फिर लेसरेशंस का होना, हैबिचुअल जो है कॉन्स्टिपेशन जो है, मदर को बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रहा, उनकी सैक्रम में किसी भी प्रकार की इंजरी के होना, डिफिकल्टी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर, अगर पहले कोई प्रेगनेंसी रही है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी रही है प्रोसेस ऑफ लेबर के टाइम पे, या फिर ट्यूमर्स है उनके पैल्विक या एब्डोमेन में। सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेज दैट मे लीड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस। अगर हम इनकी जो है साइन एंड सिम्टम्स की जो हम बात करते हैं, तो बेसिकली मदर को हैव अ फीलिंग ऑफ टायर्डनेस हो सकता है, मदर को बैकएक होगा बहुत ज्यादा, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो सकते हैं उनके, देयर विल बी चांसेस ऑफ अबॉर्शन, जो उनकी फ्रीक्वेंसी है मेच्यूरेशन की बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है यूरिनेशन की, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेच्यूरेशन। तो दीज आर सम ऑफ द
साइंस यू कैन सी इन द रेट्रोवर्टेड. जैसे मैंने शुरू में बताया था एक रेट्रोवर्टेड होता है, तो वहां पे हमें ये साइंस दिख सकते हैं. फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, बैक पेक पेन जो है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, बार बार अबॉर्शन करना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन. अगर कुछ साइंस देखे तो सर्विक्स का क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, सर्विक्स विल बी डिस्प्लेस. फंडस वो हो गए, फंडस जो है इस डफ पाउच, फंडस क्या होगा, डफ पाउच जैसा हो जाएगा. एबसेंट ऑफ द यूट्रस वी कैन फील, एब्ट्रस ऑफ द एबसेंट ऑफ यूट्रस एंटीरियरली. तो दीज कुड बी द सिम्प्टम्स साइंस कैन सी इन द रेट्रोवर्टेड. अगर हम इनकी सबकी इन्वेस्टिगेशन की बात करें सो वी कैन गो फॉर द परवजाइनल एग्जामिनेशन हो सकता है. यहाँ पर हम परवजाइनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं. जैसे मैंने बोला इन्वेस्टिगेशन वजाइनल एग्जामिनेशन के साथ साथ हम जो है पेशेंट की हिस्टोग्राफी भी कर सकते हैं, डबल पेसोरी टेस्ट भी कर सकते हैं. अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो नॉन सर्जिकल में जो है अगर हम बात करें कि हम क्या ट्रीटमेंट देंगे तो हम जो है एक्सरसाइजेस बोल सकते हैं. लेकिन अगर सर्जिकल मैथड है तो फिर वी कैन गो फॉर हिस्ट्रेक्टॉमी के लिए जा सकते हैं. यूट्रिन सस्पेंशन हिस्ट्रेक्टॉमी हम कर सकते हैं. तो जैसे मैंने बोला था ये था आज का हमारा टॉपिक जहां पर आज हमने बात करी डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस. बहुत ही शॉर्ट टॉपिक था. आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे. अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि कुछ जो है सब्सक्राइबर उन्होंने मुझे कुछ टॉपिक सजेस्ट किए थे, इस वीक में नहीं लेके आ पाई, बट नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में जो है मैं उनके टॉपिक डिस्कस करूंगी. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक उन्होंने मुझे बताए हैं. तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच.